करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, आप तो FCPSL MD के लिए, उसके लिए भी आपको पेपर लिखना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेपर हैं, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द अपना आपका जो ओरिजिनल पेपर है, हाउ टू राइट अ पेपर एंड सबमिट इन अ जर्नल। साइंटिस्ट आर रेटेड बाय व्हाट दे फिनिश एंड नॉट व्हाट दे अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि मैं कहता रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ। यू हैव टू फिनिश एंड एस्टेब्लिश इट टू द वर्ल्ड। आप ये देखें, साइंटिस्ट तो जो है ना, एक्चुअली बेसिकली दे आर बेसिकली कंसंट्रेटेड ऑन देयर वर्क कि उन्होंने क्या करना है। साइंटिस्ट रिसर्चर भी एक साइंटिस्ट होता है बेसिकली, उसको गेटिंग ए पेपर पब्लिश। कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस इन द जर्नल बास का बहुत मुश्किल होता है कि आपको पेपर ये आप लैंसेट में लिखें, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिसिन में लिखें, तो आपके पास एक खास स्पेस होती है जिसकी वजह से आप पेपर पूरी तरह पब्लिश नहीं कर सकते। बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, ये तो $360 लिखा है एक पेज का, वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए जो रिव्यूअर्स होते हैं वो उनका अपना क्राइटेरिया होता है। फिर आपका एक प्रॉब्लम होता है कि पाकिस्तान के अंदर W कैटेगरी के सिर्फ 4-8 जर्नल हैं, आपने उनके अंदर पब्लिश करना है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, JPMA का जर्नल, इसके लिए एक अपना बॉटनी का जर्नल है, और एक जर्नल है हमारा CPSP का। तो ये 4 जर्नल हैं जिनके इम्पैक्ट फैक्टर हैं W कैटेगरी के, बाकी जितने हैं वो मतलब एनल्स है या जितने हैं वो एक्स कैटेगरी में आते हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता। हमारे पेपर रिजेक्ट क्यों होते हैं ये देखिए, आपने लिखा सही नहीं, ठीक है, आपने उसको पढ़ा ठीक नहीं, आपकी यूर ग्रामर इज पुअर, यूर राइटिंग इज पुअर, यूर एक्सपेरिमेंट इज पुअर, यूर हाइपोथेसिस इनएडिक्वेट, यूर सैंपल साइज इज पुअर। सो दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन द रिजेक्शन। तो आपके टिप्स क्या है कि आपका आर्थोपेडिक है, आर्थोपेडिक यू शुड नो वेयर शुड आई सबमिट इट, नो द जर्नल, इट्स एडिटर, एंड व्हाई यू सबमिट द पेपर देयर, पे क्लोज अटेंशन द स्पेलिंग, ग्रामर्स एंड पंक्चुएशन। मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर लिखता हूँ, मैं अपनी बेटी को कहता हूँ बेटा पढ़ लो, या उस जमाने में मैं किसी कुलीग को कहता था कि बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ग्रामर क्या कहाँ मेरी कहाँ खराब होती है। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट, कहीं आपका कहीं आपका वैनकूवर मेथड है, किसी जगह आपका ऑक्सफोर्ड मेथड है, किसी जगह, तो दिस स्टाइल इज विल कॉज द रिजेक्शन ऑफ द पीपल। कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जैसे आपने सालन को चूल्हे पे चढ़ाया और थोड़ी देर इधर गए तो आपका सालन जल गया, दिस इज वाइड केयरलेसनेस मिस्टेक, आपका पेपर पूरे का पूरा जल जाएगा। तो दीज आर द वेरी पर रीड एंड कंफर्म द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथर। अब ये पेपर आपने कहाँ पब्लिश करते हैं, एडिटर के पास जाना है, तो पब्लिशर पेरिस, दीज आर द टू डिसीजंस। देयर आर 7 सिंस यू शुड नॉट डू, एवरी स्टूडेंट्स आई से दैट इस मिस्टेक्स को आपने रोक लिया तो आप बड़े से बड़े जर्नल में भी आप पब्लिश। पहला है डेटा मैनिपुलेशन फैसिलिटी, दैट इज ऐसे है कि आपका रिसर्च आपकी अपनी औलाद है, और अगर आपने औलाद के साथ ज्यादती की तो ऐसे किया कि कोई बंदा अपनी मैनिपुलेशन फैसिलिटेशन नहीं करता। डुप्लीकेट ऑफ एक पेपर आपने एक जर्नल में दिया वही किसी और जगह नहीं, डू नॉट डू, या हाफ पार्ट किसी और जगह दिया, हाफ पार्ट डुप्लीकेशन है। रिडंडेंट पब्लिकेशन ये जो है बहुत पाकिस्तानी करते हैं, इंडियन करते हैं, इवन चाइनीज भी करते हैं, तो दिस इज द ग्रेट सिन। प्लेजरिज्म इज द बिगेस्ट सिन दैट वी शुड अवॉइड इट। इसके बाद ऑथर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जरूर करना है, किसी से पैसे लेके नहीं लिखना, किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं लिखना अपना एनिमल यूज। एक खास इस्लाम ने एनिमल्स के लिए भी कुछ असूल और कवायद जब्त वो किए हैं, ह्यूमन के लिए भी किए हैं। एथिकल इंपॉर्टेंट थिंग बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द पब्लिश ऑफ द हाई क्वालिटी इन आउटकमिंग जर्नल एंड गेटिंग द नंबर्स, ग्रांट रिव्यूअर्स लुक एट बोथ, दोनों चीजों को आप देखते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, ये क्या बुरा क्या होता है, डाटा है किसी क्या मतलब कि कौन कौन सी बुराई है पब्लिकेशन के डाटा इन द कॉन्फ्रेंस है, नो, सेम डाटा जर्नल, यस कोई बात नहीं है, डाटा इन द वेबसाइट मे बी,
तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर यस जो है यू कैन डू और नो आपने नहीं करना, बट मेक्स ए गुड रिसर्च, गुड साइंस, गुड राइटिंग, पब्लिकेशन, ए गुड जर्नल, ऐसा जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो, ऐसा जिसका एब्स्ट्रैक्ट आपका उसके अंदर पबमिट में आ रहा हो, गूगल स्कॉलर्स में आ रहा हो, व्हाट कंस्टिट्यूट ए गुड साइंस, वो है क्या, साइंस है क्या, अच्छी साइंस है, एक खूबसूरत स्टोरी है, एक अच्छी बात को किस तरीके से पेश करना होता है, एक मेहमान आता है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से आप चाय पेश करेंगे, तो आपको याद करें, तो नॉवेलिटी, ए न्यू, नॉट रिजेंबलिंग फॉर्मली, नोन टू चूज बी ए नॉवल, नेक्स्ट, उसके अंदर आपको एपिथीसिस खूबसूरत होनी चाहिए, उसके अंदर सारे एक्शन आपके खूबसूरत होने चाहिए, सैंपल साइज खूबसूरत होना चाहिए, डिस्क्राइब अच्छे तरीके से करें, तो ये हैं अब जर्नल जो हैं, इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल जो हैं, बता दिया मैंने किसी टाइम, मौका मिला तो मैं ये बताऊंगा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल निकालते कैसे हैं। पाकिस्तान के अंदर चार जर्नल बताए हैं, चार जर्नल हैं जो W कैटेगरी के हैं और ये इम्पैक्ट फैक्टर में आते हैं, ठीक है, और इंडेक्स मेडिकस में भी आते हैं इनका ये जर्नल निकालना, यानी दो साल के अंदर उसकी टोटल कितनी साइटेशन होती है उसको आपको, ये डिफरेंट जर्नल हैं, नेचर है, मेरा एक आर्टिकल जर्नल नेचर में है, एक साइंस में है, एक JPMA में है, तो ये डिफरेंट जर्नल है, CPSP में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान जर्नल मेडिकल साइंसेज में, JPMA है, तो ये सारे जर्नल हैं, थिंक टू कंसीडर बिफोर क्या क्या करना क्या है आपने, क्या है, हैज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट बीन मेड, आप ये जो आर्टिकल है उसको बार बार आप पढ़ें, एक एक चीज को पढ़ें, उसको टाइम दें कि मेरा आर्टिकल ऐसा नहीं है कि आपने रात को सबमिट ना करें, दिन को, रात को लिखा है दोबारा सुबह पढ़ें, फिर इसके बाद दोस हु हैव मोस्ट से यूजुअली सी इट विद द फ्यूएस्ट वर्ड थिंग्स टू कंसीडर, टेबल आपकी कितनी है, टेबल फिगर खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी पिक्चर खूबसूरत हो, ये बहुत क्लियर हो, कंसाइज हो, और खुद बखुद उससे पता चल रहे जनाब ये ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो रही है, तो कहाँ रेफरेंस का आपका लेवल बेहतर होना चाहिए, लेटेस्ट आर्टिकल हो, पुराने आर्टिकल ना हो, पुराने रेफरेंस ना नहीं होते, तो जर्नल को आप सिलेक्ट करते वक्त जो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान के लिए मैं एक चीज दूंगा, दैट इज W कैटेगरी, W कैटेगरी को आपने, अदरवाइज आपका इतनी मेहनत की भी सही, और कभी किसी को ना कहें कि जनाब मेरा आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो अपने आर्टिकल में मेरा नाम भी दे दें, ऑथरशिप बढ़ाए कि मुलाजम हुसैन बुखारी ने किया, क्या किया जाहिद ने, क्या किया फला ने, क्या किया फला ने, बकर ने क्या किया, ये आपने लिखना, ईच ऑथर शुड हैव पार्टिसिपेशन, जो भी पार्टिसिपेशन है आपने उसके अंदर लिखनी है, आजकल तो ये बहुत जरूरी, अदरवाइज ये ऑल इंक्लूडेड इन द प्लेजरिज्म, ये देख पार्टिकुलरली ओनली इन द कलेक्शन ऑफ द डाटा डस नॉट जस्टिफाई द ऑथरशिप, ये नहीं है कुछ आप पढ़ रहे होते हैं, कोई लिख रहे होते हैं, कोई देख रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके सारे के सारे आपके डिफरेंट उसके अंदर होते हैं, द हार्डेस्ट पार्ट इज गेटिंग स्टार्ट, अलिफ बे बहुत मुश्किल होती है, बच्चे को बिठाएं, ये सारी बातें मैंने कह दी, आप एक्चुअली लिखना है कैसा है, टाइटल आपका कैसा होना चाहिए, खूबसूरत हो, अपने आप को खुद डिस्क्राइब कर रहा हो, बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव सा हो, एब्स्ट्रैक्ट उसका ठीक होना चाहिए, आप ये देखें बाज का यूं लिखा होता है, टाइटल किधर, फिर मेथड, फिर रिजल्ट दे दिए, फिर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, डिस्कशन यूं कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट आखिर में डाल दिया, एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं, रेफरेंस जो है वो जनाब वाला बेस, तो दिस इज नॉट अ वे, आपने टाइटल क्या होता है, टाइटल आपका वो चेहरा होता है, इंडेक्स ऑफ द माइंड, फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, टाइटल इज द इंडेक्स ऑफ योर रिसर्च, तो ये आपका डिटरमाइन करता है कि इसको इतना बड़ा जो ना हो कि तीन लाइनों का हो, पढ़ ही ना सके, तो छोटे छोटे अल्फाज में ये मैंने दिया है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वर्ड्स जो है 25, 19 से 25, ये जर्नल एक इंडेक्स मेडिकल जर्नल के अंदर इसको होता है, इसके अंदर एब्रीवेशन नहीं होनी चाहिए, साइटेशन नहीं होनी चाहिए, आप टाइटल में साइटेशन रेफरेंस नहीं डाल सकते, और एक फॉर्मेट में होता है, ये देखिए द इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन द
एक फॉर्मेट के अंदर, हीट मेल्ट्स आइस, द रोल ऑफ द हीट इज मेल्टिंग द आइस, ये एक डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि आपका एक्सपेक्ट जो है ना वो सारे के सारे इंट्रोडक्शन को बता दे। अक्सर हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर होता है, जर्नल होता है, आर्टिकल होता है। स्टेट मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको समराइज करें खूबसूरत तरीके से, उसकी एक लाइन में ऑब्जेक्टिव हो, मेजर कंक्लूजन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अवॉइड एक्रोनिम्स, राइट, री राइट, एंटर फ्लॉलेस। अच्छा, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की खास कुछ जर्नल्स हैं, नेचर का 150 और पाकिस्तान जर्नल मेडिकल साइंसेस का है 250। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जर्नल्स की इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें। ये चार पांच चीज़ें हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखें, राइट द बैकग्राउंड, मटेरियल मेथड क्या था, दो लाइनों में मेरा रिजल्ट क्या था और कंक्लूजन क्या था, मेरे की वर्ड्स क्या थे, ये सारा। अच्छा, अब जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक होता है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। जो आपके रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, केस रिपोर्ट होती है, इनके सारे के सारे अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो आपकी ओरिजिनल रिसर्च होती है, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर ये चीज़ें दी जाती हैं, ये हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स, सब हेडिंग। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसके अंदर आपको हेडिंग्स नहीं होती, एक पैराग्राफ होता है। और जब ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसको एक लफ्ज होता है, स्मार्ट, स्पेसिफिक, खास, बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है, मायरेबल हो, उसको कर किया जा सके, अचीवेबल हो, रिलायबल हो, अगर मैंने किया है तो जाहिर जब दोबारा उस प्रैक्टिकल को करे तो रिजल्ट वही आना चाहिए, टाइम बाउंड हो। तो ये वर्ड्स की, व्हाट आर मेन मिस्टेक, जल्दी जल्दी बताऊंगा। टू मच बैकग्राउंड, लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं दें एक फिगर में, एब्स्ट्रैक्ट एक लाइन में दें, फिगर नहीं देनी, रेफरेंस नहीं देनी, एब्रीवेशन, एक्रोनिम दे, ये चार चीजें आपने एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखनी। इसके बाद ये मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ पाकिस्तान लेवल ऑफ सीरम है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर्ड है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज का है, ये देखें एक डेढ़ लाइन में ऑब्जेक्टिव है, मेथड देखिए दो लाइनों में मेथड है, रिजल्ट का थोड़ा सा वो दिया है, कंक्लूजन एक वर्ड में दिया, दिस इज द ऑब्स्ट्रैक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर्ड। ऊपर देखें एक लेवल दिया हुआ है, ये ओरिजिनल आर्टिकल ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ये दूसरा आर्टिकल देखा, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये मॉडिफाइड मेथड ऑफ अग्नार, इसके ऊपर आई गॉट द गोल्ड मेडल, ये बाहर छपा हुआ है, जर्नल इंटरजर्नल एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी के अंदर था, ये न्यू फर्स्ट टाइम हुई अडॉप्टेड इन द न्यू अग्नार मेथड। तो देखें ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसके अंदर कोई हेडिंग नहीं होती। तो हाउ टू राइट द कीवर्ड, कीवर्ड वो होते हैं कि अगर किसी को आपका नाम याद ना रहे, किसी को जाहिद नहीं रखा, मुलाजिम नहीं रहा, तो आपके आर्टिकल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद होना चाहिए, जब वो पबमेड में या मैश में जाएगा तो वो आपको इंक्लूड कर देगा। इंट्रोडक्शन, अब इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, छोटे से छोटा इंट्रोडक्शन रखें, मैं आपको एडवाइस रखूँगा, क्योंकि कम से कम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कम से कम प्लेजरिज्म हो। वंस अगेन एडवाइस फॉर यू, एक पेज का आर्टिकल, एक पेज का इंट्रोडक्शन रखें, फ्यूएस्ट shortest introduction will make you easily to pass from the plagiarism. ज़्यादा बड़ा लिखेंगे, इसी तरह synopsis है, जितने में introduction को कम से कम रखना है। और कभी फिर मौका मिला तो आपको ये दिखाऊंगा कि plagiarism से कैसे बचना होता है, इस भी खास words होते हैं 300 से कम। mistakes क्या है, too much, unclear, list बना दी, number one, number two, confusion structure है, फर्स्ट पर्सन एंटीसिडेंट मेथड, स्टडी डिजाइन को आपने मटेरियल मेथड, मैं आपको आर्टिकल उसके अंदर सबसे पहले स्टडी डिजाइन क्या होता है आपका, अब मैंने एक चार्ट में दिखाया था स्टडी डिजाइन लिखना होता है। सैंपल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर मिस्टेक जो होती हैं, जो पेपर रिजेक्ट होता है सैंपल साइज के, और सैंपल साइज आप किसी आईटी वाले से जाके नहीं कर, नहीं नहीं आपने खुद फार्मूला लगा के खुद करना है। वट इज द प्रेवलेंस ऑफ द स्टडी, वट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टडी, उसके ऊपर आप सैंपल साइज निकालते हैं। फील्ड साइट डिस्क्रिप्शन करना है आपने, इसके बाद डाटा कलेक्शन प्रोटोकॉल करना है, डाटा एनालिसिस टेक्निक करनी है,
कंप्यूटर प्रोग्राम क्या क्या है उसके अंदर करना, ये आपका मटेरियल मेथड के अंदर होता है। मटेरियल मेथड के अंदर आपका प्लेजरिज्म नहीं होता, आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। जितना खूबसूरत डिटेल में लिखेंगे आपके आपके आपका जो है वो पेपर उतना ही खूबसूरत बनेगा। तो ये वो चीजें हैं आपके बाद। इसके बाद मटेरियल मेथड को के अंदर आप डिफरेंट फॉर्म मेथड क्या क्या मिस्टेक्स है, टू लिटल थोड़ा नहीं लिखना, इंट्रोडक्शन बहुत लिख दिया, मटेरियल मेथड छोटा लिखा, नहीं ऐसा नहीं है। आपने मटेरियल मेथड को डिटेल में लिखा, इंफॉर्मेशन आपने पूरी पुट करनी है कि क्या क्या इसके अंदर। ये देखिए मैंने मटेरियल मेथड लिखा है उसी पेपर का, ये स्टडी डिजाइन को कितना यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक, ये सारा मेरा मटेरियल मेथड आ। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, मेरा स्टैटिक्स एनालिसिस क्या है। अब आगे रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को आपने बड़े ब्रीफली लिखना है, टेबल के अंदर लिखना है, और इसके बाद आपने उसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत तरीके दो तरीके से आते हैं। क्या क्या मिस्टेक करते हैं, रॉ डेटा नहीं देना, रिडंडेंसी से बचना है, डिस्कशन इसके अंदर नहीं करनी, नो सिग्निफिकेंट लेवल इसके अंदर नहीं लिखना। तो ये वो तरीका है। अब है आखिरी आपका डिस्कशन, इसके अंदर जैसे मैंने कहा मटेरियल मेथड को आपने डिटेल में लिखना है। व्हाट इज डिस्कशन, डिस्कशन ये होती है कि जो कुछ आपने रिजल्ट निकाला है उसको यहाँ पे डिस्कस करें आप, कि आपकी डिस्कशन का लेवल क्या है। फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन कि आपने ऊपर जो लिखा था क्या आपका हाइपोथेसिस ठीक भी हुई या नहीं, क्या आपका हाइपोथेसिस गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाई, डाटा कम था, आपका जो रिसर्च है वो पाकिस्तान में जो हुई है उस तरह की अगर रिसर्च ईरान में हुई है क्या सिमिलर रिजल्ट्स हैं, अगर सिमिलर हैं तो व्हाई, अगर सिमिलर नहीं है तो व्हाई नॉट सेम, अगर हमारा इंडिया में हुआ है एक हीमोग्लोबिन लेवल आप देख रहे हैं तो अगर डिफरेंट तो व्हाई। तो ये क्वेश्चंस व्हाई रिलेट योर कंक्लूजंस की इसके अंदर हमारे नॉलेज हमारे एक स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारी कमी रह जाएंगी। तो डिस्कस द वीकनेस, डिस्क्रिपेंसीज क्या रह गई थी मेरी, आप रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाट न्यू विद, क्या करना है हमने आपने इसको, डू नॉट रिपीट द रिजल्ट्स, वही रिजल्ट इधर नहीं देने, रिजल्ट्स में डिस्कशन नहीं डालनी, डिस्कशन में रिजल्ट नहीं डाल, कंक्लूजन समरी खूबसूरत हो ताकि आपके एंड के ऊपर लोग पढ़ने में इसका मजा ले सके। इंटरप्रेट द रिजल्ट, कंपेयर द रिजल्ट्स एंड लेट यू नो व्हाई दिस कंपैरेटिविटी इज कंसिस्टेंट एंड नॉट कंसिस्टेंट। तो क्या हम क्या गलतियां कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं रिजल्ट उधर डाल देते हैं, रिजल्ट उसको डिस्कस कर देते हैं, ब्रॉड स्टेटमेंट लंबी लंबी स्टेटमेंट देते हैं, छोटे छोटे फिक्रे देखे, इनकोरेक्टली डिस्कशन एंड कंक्लूसिव रिजल्ट, एम्बिशियस डाटा बहुत ज़्यादा दे देते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन दे देते हैं, टेबल आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, प्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द रिजल्ट, फिगर आपके बड़ा विजुअल होने चाहिए, रिजल्ट्स आपके ठीक होने चाहिए और आपके कैप्शंस ठीक होने चाहिए। ये गलतियाँ हमारे जो हम डिफरेंट उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन नीट लिजिबल लेबल करें उसके नीचे डाटा कैलकुलेट करें और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करें कि मेरी इसकी सिग्निफिकेंस लेवल, आप रेफरेंस एक पूरा आर्टिकल है, एक पूरा लेक्चर होना चाहिए उसके ऊपर, रेफरेंस साइटेशन के क्या होता है कि एक आपके पास दो चार आजकल वो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसके अंदर एंड नोट बहुत खूबसूरत आता है, एंड नोट के अंदर हर जर्नल का स्टाइल होता है, एंड नोट के अंदर आप सीखिए कभी इंशाल्लाह, एंड नोट का पूरा दो घंटे का एक लेक्चर है, कभी मौका मिला तो आपको सिखाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर वैनकूवर मेथड लगाते हैं, थीसिस के अंदर ऑक्सफोर्ड मेथड लगाते हैं। ये जरा देख लें साइटेशन, देयर आर थाउजेंड साइटेशन स्टाइल अमंग देम, ऑक्सफोर्ड वैनकूवर, हम अक्सर अपने जर्नल पाकिस्तान जर्नल में ये चीजें था। अब मैं आपको यहाँ पे वैनकूवर स्टाइल देखे, नाम आया एक दो तीन चार पाँच छः तक था, छः के बाद एटाल हार्ड, देखें ये ईयर अगर यहाँ आ जाए तो हार्डवेयर बन जाता है, वैनकूवर नंबर वाइज चलता है, हार्डवेयर और ऑक्सफोर्ड स्टाइल को, हार्वर्ड स्टाइल और ऑक्सफोर्ड स्टाइल को हम साइटेशन करते हैं। वैनकूवर स्टाइल, ये वैनकूवर नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आप ये देखें, थोड़ा सा इसको समझाने में प्रॉब्लम पड़ जाएगा, क्या है हिना, ये नाम है,
ये आपका टाइटल है, ये आपका आर्टिकल है, ये एयर है, ये उसका वॉल्यूम है और ये उसका पेजेस है। ये तरीका लिखना होता है कि आपने उसकी बिब्लियोग्राफी किस तरीके से ठीक करनी है। ये पंक्चुएशन नहीं देनी कहाँ पे, ये देखें ये पंक्चुएशन है, ये पंक्चुएशन है, ये यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे देखें सेमी कोलन है, ये कोलन है, और यहाँ आपके हैश, ये इंतहाई, और यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये आपने ये दोबारा वापस देता हूँ, इसको गौर से देखें कि कहाँ पे मैंने पंक्चुएशन लगानी है। पंक्चुएशन नहीं है तो पेपर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पेपर आपका वापस आ जाएगा। इसके बाद ये साइटेशन का स्टाइल आपको देखें, तो इसके बाद आपको हम ये डिफरेंट किताब से भी ले सकते हैं, किस तरीके से मेथड लिख सकते हैं, आप एक पेपर से भी लिख सकते हैं, आप उसके साथ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा एक मिनट के लिए, कि हम अपने एक चीज मैं लिख के बताऊंगा कि आपने ये देखें, यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं कि अगर तो मैं बुक से लेता हूं तो एक तो बुक ये नहीं लिखा जा रहा, अच्छा इसमें आपने बुक से भी ले सकते हैं और बुक चैप्टर से भी ले सकते हैं, तो ये डिफरेंट बोर्ड नहीं खुल रहा मेरा। हाउ टू, ये वर्ड्स हैं जो अक्सर आपने लिखने होते हैं, ये मैं आपको इसको दिखा, ये बड़े प्रिसाइज, ये देखिए ए कंसीडरेबल अमाउंट मच अकाउंट ऑफ ही कास्ट सेवरल नंबर रेफर्ड, ये वर्ड्स आपने ना रट्टे लगाना है और इसको आपने अपने आर्टिकल में लिखना है, इससे आपकी स्पेस कम हो जाएगी, आपका आर्टिकल खूबसूरत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने रिवाइज दोबारा पढ़े हैं, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, किसी दोस्त को कहें, अपने आर्टिकल को लिख कर लिखें, टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स, ये सारी चीजें अब सबमिट करने का मौका आता है तो फिर एक दफा आप कवर लाइटर देते हैं वो कर। अब क्या होता है जनाब, मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, उसको सबमिट कर रहा होता हूँ, प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, सबमिशन कर रहा होता हूँ, पेपर असाइन कर रहा होता हूँ, डिस्कशन लिखी, मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, ठीक है, दोबारा वापस चला, दोबारा कंप्लीट किया, दोबारा कंप्लीट करने के बाद फिर उसी प्रोसेस में आया, रिवीजन आ गई, जब रिवीजन आ गई तो मैं उसको रिवीजन करने के बाद रीसबमिट करूंगा, जब मैं रिव्यू, वो मेरा फिर रिव्यू होगा, तो क्या हो सकता है रिजेक्ट, जब रिजेक्ट हो गया तो फिर मैं दोबारा उसी साइट पे चला गया पेपर पहले जगह, या मेरा पेपर लकीली एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हुआ तो पब्लिश। तो ये रिस्पॉन्ड करना होता है, जब आप रिव्यूअर लिखे तो उसको जवाब देना होता है वन टू वन, कि आपका ये, आपने ये प्रॉब्लम, आपने ये लिखा था तो मैं उसको ये लिखा, वन बाई वन ए वन, देर इज अगेन वंस अगेन देर इज नो वे टू get experience except through the experience. So thank you very much Dr. Zahid for calling me and for inviting me to present how to write a paper. I think you would have enjoyed it. Or any question? सर थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन बेसिकली पोज किया है कि सैंपल साइज की कैलकुलेशन के बारे में ब्रीफली अगर थोड़ा सा आप गाइड कर सकें तो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक कहीं किसी तरीके से शेयर कर सकूँ ना, एक ये बोर्ड ये आ गया, एक मिनट के लिए, ये देखिए मैं आपको सैंपल साइज लिखना सिखाता हूँ, नहीं पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कहता है बुक, ये चीज में एक एक आप बुक से आर्टिकल रेफरेंस लेते हैं, एक बुक चैप्टर से लेते हैं, एक बुक चैप्टर से लेते हैं। अच्छा, अब मैं बुक चैप्टर के अंदर ये होता है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि बुक का मतलब ये होता है बुक का राइटर भी वही है,
एडिटर भी वही है, राइटर भी वही है। बुक चैप्टर का मतलब ये होता है कि आपका एडिटर कोई और है और आथर, इसको मैं लिखता हूँ मैं, यानी मुलाजिम हुसैन बुखारी, बुखारी BUKHARI ने एक चैप्टर लिखा, उसका MH एक चैप्टर लिखा, और उसके बाद उस चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने कहीं सबमिट कर दिया, तो आएगा इसके फुल स्टॉप लिखना है और आई बड़ा करना है, इन छोटा करना है, और इसके बाद आपने कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद अब मैंने ये किसी ऑर्थोपेडिक की बुक में दे रहा हूं, और उस बुक का जो एडिटर है वो है जाहिद, तो जाहिद मलिक, तो मलिक जेड, ठीक है, ये आगे, और इसके अंदर लिखना है ईडी, एडिटर, ठीक है। और इसके बाद इस ऑर्थोपेडिक का बुक का नाम लिखना है, बुक नेम, बुक का जो नाम होगा कंप्लीट लिखना है। बुक का एडिशन, जाहिद साहब की किताब का सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, थर्ड, इसके बाद इसको ई बड़ा करके डी छोटा कर देना है, और एडिशन ज्यादा है तो यूं कर देना, तो सेकंड एडिशन या थर्ड एडिशन आता। फिर ये पंक्चुएशन देखते, इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। ये जाहिद साहब की किताब पाकिस्तान में छपी है, तो इसका पब्लिशर कौन है, पब्लिशर है मेयो हॉस्पिटल, ये पब्लिशर है, और पब्लिश करने वाला शायर कौन सा है, लाहौर, मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके साथ फुल स्टॉप पेज देना है, और बस पेज क्या है 78, ये है अगर मैं बुक चैप्टर में दे सकता, अगर मैं बुक में लेना है तो इनसे पहले सारी चीजें हटा दें, ये आ गया बुक, ठीक है, ये हो गया। आपने अगर बुक चैप्टर लेना है या क्या लेना है तो इसके बाद आपने सॉरी ये इसके अंदर ये ईयर भी देना है आपने, आगे पेज से पहले साल 2020 और इसके बाद कोलन और इसके बाद 67 पेज आ ये बुक का। अच्छा, अब आपने कहा सैंपल साइज, SAMPLE, सैंपल साइज, सैंपल साइज के अंदर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज, ऑफ द, ये आज की यूं समझे वर्कशॉप है, आज की किसी को भूल गया तो मेरा जुर्मा। आप देखें सैंपल साइज इज इक्वल टू, आप एक स्टडी करते हैं तो स्टडी में जाहिद कहते हैं कि मेरी स्टडी इतने परसेंट ठीक होगी और इतने परसेंट गलती का मार्जिन, उसको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कितना है मेरा, कॉन्फिडेंस लेवल स्क्वायर, दो दफा करें कॉन्फिडेंस लेवल मल्टीप्लाई बाई कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल मल्टीप्लाई। अब मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी, मसलन आपकी जो ऑर्थोपेडिक में रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30%, तो इसके अंदर देते हैं हम प्रेवलेंस पी ब्रैकेट शुरू 1 - P, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपने जो मार्जिन ऑफ एरर दिया वो 0.005 मल्टीप्लाई बाई 0.0, ये आपका सैंपल साइज। अब एक देखिए, अब आपका अगर 30% है रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो यहां पे P आएगा 0.3 -0.3, ये आपका फार्मूला लग गया। अब जब भी कोई डिजीज इस फार्मूले को पकड़ लें, जब भी आपने कभी सैंपल साइज निकालना हो तो उसके पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रेवलेंस कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो उसकी डेथ रेट देखना है, तो ये या सेकंड बहुत सारे मेथड और भी हैं, पावर ऑफ स्टडी भी है, मतलब आजकल कोरोना आया हुआ है, तो पाकिस्तान में तो प्रेवलेंस है नहीं, तो आपकी स्टडी की पावर क्या है, दैट इज अ डिफिकल्ट फार्मूला। तो ये फार्मूला थे जिस वजह से आपने सैंपल साइज निकालना है। एनी मोर क्वेश्चन?
कुछ समझ आई? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, ये चीज क्लियर होगी सर। लास्ट मिनट चल रहा है, मेरा ख्याल है हमें दोबारा ज्वाइन इन करना होगा फॉर सम मोर क्वेरीज। अगर पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेरीज हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक छोटी सी टॉक है अबाउट हाउ टू डू लिटरेचर सर्च, फ्यू मिनट्स के लिए, वो हम अभी इंशाल्लाह कर लेंगे। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको दे दूंगा। कि एक सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में